15 अगस्त 2017 आजादी का एक और नया सूर्योदय, 70 वर्षों से गतिमान आजादी। आज जब हम सब आजादी का जश्न मना रहे हैं तो सिर्फ उनकी बदौलत जो आज भी सरहदों पर तैनात हैं और वो अपने सीने पर गोली खाने को भी तैयार हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम सब लोग चैन से होली, दिवाली और ईद मना सकें। सरहद पर तैनात सिपाही को राखी पर अपनी बहन की याद नहीं आती होगी? क्या उसकी कलाई बहन की राखी को नहीं तरसती होगी? बिल्कुल तरसती होगी, पर वो ये सोचकर डटा रहता होगा और गर्व महसूस करता होगा कि हजारों लाखों बहनें अपने भाई की कलाई पर सुकून से राखी बांध सकेंगी। पर ये क्या, इन सरहदों की हिफाजत तो हमारी सेना करती है, पर इन्हीं सरहदों के अंदर देश की एक बेटी अकेला चलने से डरती है? क्या ऐसी ही आजादी को माना हमने अपना था? अरे क्या यही है वो आजादी जो शहीद आजम भगत सिंह का सपना था? अगर नहीं तो अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, तो क्यों ना उस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें कि चाहे किसी की भी हो वो बहन अब अकेली चलते हुए ना डरे। चलो कुछ ऐसा जहां बनाएं कि जिसे देखकर बिस्मिल, राजगुरु और सुखदेव भी फरमाएं कि जिस वतन को हमने तुम्हारे हवाले किया था आज हमें उस वतन पर नाज है। क्योंकि वो सब यही हैं, वो कहीं नहीं गए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, कई मंजिलों के अंजाम बदल जाते हैं। और कौन कहता है कि भगत सिंह पैदा नहीं होते? अरे पैदा होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हनुमंत थप्पा, भगत सिंह जैसे लोग बार बार इस धरा पर आते रहेंगे, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू, तो कभी सिख बनकर इस धरती का फर्ज निभाते रहेंगे और इस देश की मिट्टी का कर्ज चुकाते रहेंगे और बार बार यही गाते रहेंगे कि हम सबको इस देश में अमन, चैन और सुकून से जीना है। हम सबको इस देश में अमन, चैन और सुकून से जीना है। मेरे इस देश में झगड़ा, लड़ाई और जात पात के नाम पर दंगा रहने दो, मुझे लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। मैं अनुराग ऋषि जितने भी लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाया हूं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अंग्रेज लगभग 70 साल पहले इस देश को छोड़कर चले गए, लेकिन आज भी कुछ बुराइयों ने इस देश को जकड़ रखा है। अरे ये वो देश है जो पूरी दुनिया में सबसे महान देश होने का दर्जा रखता था, ये वो देश है जिसे पूरी दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती थी, लेकिन ये सोने की चिड़िया कहीं ना कहीं आज इन बुराइयों के पिंजरों में कैद है। वो क्यों कैद है? क्योंकि हम सब एक नहीं है, हम सब साथ नहीं है। अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ एकजुट होकर इन बुराइयों को खत्म करने का निर्णय ले लें तो कोई बुराई का पिंजरा इस सोने की चिड़िया को जकड़ कर नहीं रख सकता। हमने बचपन में यह कहानी सुनी थी कि एक लकड़ी टूट जाती है लेकिन अगर सब लकड़ियों को बांध दिया जाए तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता चाहे कितना ही प्रयास कर लो, और इसका एक छोटा सा मॉरल था कि एकता में बल है। ये बहुत छोटी सीख है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर हम सब ये जान लें कि छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात, धर्म मजहब, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई चीजें हैं, और अगर हम सब लोग एक साथ एकजुट हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं कि सोने की चिड़िया को किसी पिंजरे में कैद कर सके। आज एक छोटा सा प्रयास कि इस संदेश को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो जात पात और धर्म मजहब से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर इस देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार हो। जय हिंद, जय भारत।